शुरू करेंगे दोस्तों अपनी इस वीडियो को। और मार्केट मार्केट के निगेटिव ट्रेंड में कुछ पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। और पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव है दोस्तों टाटा मोटर्स के साथ में। तो टाटा मोटर्स का दोस्तों ये शेयर है 418 रुपये का, इसका भी करंट प्राइस चल रहा है। तो टाटा मोटर्स के साथ दोस्तों पॉजिटिव ये है कि इनका जो Q3 का नंबर्स आया है एस्टिमेट से ऊपर आया है, पहली बात। और दूसरी चीज़ जो है, इनका जो भी क्वार्टरली रिजल्ट रहता था वो हमेशा निगेटिव रहता था पिछले 2 साल में, ठीक है। 2 साल में पहली बार जो है दोस्तों इनका जो प्लस में जो है इनका क्वार्टरली रिजल्ट आया है, उसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं दोस्तों यहाँ पे बताता चलूँ, आप टाटा मोटर्स में फिलहाल भी हमें काफ़ी अच्छे लेवल पे अभी अवेलेबल है। तो टाटा मोटर्स में आप जो है शॉर्ट टर्म के लिए एक पोजीशन अपनी यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। और अगर नेक्स्ट क्वार्टर में आपको लगता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आप जो है उसमें आगे कंटिन्यू अपना कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म के लिए एक पोजीशन आप इस शेयर में बना के चल सकते हैं अगले 3 महीने के लिए। और अगले 3 महीने में जो है, जैसे मेरे ख्याल से रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, तो शेयर हमें जो है दोस्तों अपवार्ड आगे जाता हुआ जो है देखने को मिल सकता है। टाटा मोटर्स बैक इन ब्लैक विद Q3 नेट प्रॉफिट एट Rs 2958 करोड़ बीट एस्टीमेट, ठीक है। पहली चीज़ तो इसको देखिएगा, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी क्वार्टरली रिजल्ट में, रिजल्ट चाहे निगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, एस्टिमेट को किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट बीट अगर करता है तो समझिए शेयर जो है ऊपर जा सकता है, और बीट नहीं करता है तो शेयर जो है दोस्तों नीचे आएगा, चाहे कितना भी बढ़िया मतलब पॉजिटिव रिजल्ट क्यों ना रहा हो, ठीक है। तो दोस्तों पिछले कुछ समय से कंपनी का जो भी क्वार्टरली रिजल्ट रहता था वो निगेटिव रहता था। अभी अगर देखें तो कंपनी का जो एस्टीमेट था, यानी कि जो ब्रोकर रिसर्च के बाद एस्टीमेट था, वो देखने को मिल रहा था कि 300 से 800 करोड़ के बीच में नेट प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर 800 करोड़ को ही मान के चलें तो भी जो है 3 गुना एस्टीमेट से ऊपर जो है Q3 के नंबर्स रहे हैं, तो समझ सकते हैं कितना शानदार जो है कंपनी परफॉर्म करता हुआ नज़र आई है, ठीक है। तो टाटा की गाड़ियों से तो दोस्तों आप सभी लोग वाकिफ होंगे ही, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं जो समझता हूँ, मतलब टॉप जो कंपनियाँ हैं कार मैन्युफैक्चरिंग में, टाटा जो है उसमें टॉप ब्रांड में, और अभी के समय में देश की जो है नंबर टू की कंपनी जो है टाटा मोटर्स हो गई है कार की जो भी बिक्री है सेलिंग के मामलों में, ठीक है। कुछ गाड़ियां हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है मिडिल क्लास लोगों के लिए और अपर क्लास लोगों के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो है 25 तारीख को इन्होंने जो है अपना नेट रिजल्ट जो है Q3 का नंबर जो है पब्लिश किए। यहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट है 2957.58 करोड़ के आसपास जो हमें देखने को मिला, ठीक है। सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में लॉस इनके हाथ में थी, 1516 करोड़ की लॉस इनको झेलनी पड़ी थी पिछले साल इसी क्वार्टर में। उसके अलावा दोस्तों रिवेन्यू इनका जो रहा है, रिवेन्यू पिछले साल से, रिवेन्यू तो कंपनी दोस्तों काफ़ी शानदार जनरेट करती है, हमें 88488 करोड़ का रिवेन्यू हमें देखने को मिला, 22% का, 22.5% का अप जो है हमें दोस्तों देखने को मिला है पिछले साल इसी क्वार्टर से। 72229 करोड़ का रिवेन्यू हमें जो है दोस्तों कंपनी का देखने को मिल रहा था, ठीक है। एस्टीमेट मैंने आपको बता ही दिया है, एस्टीमेट की अगर बात करें तो 300 से 800 करोड़ का था, 800 भी मान के चलें तो भी 3 गुना नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। और जो सेल्स है वो एक्सपेक्टेड थी राइज होने की 15% के आसपास, ठीक है, बाई ऑन बाई बेसिस पे। और 3% जो है 82,779,718 करोड़, ठीक है, एस्टीमेट ये था कंपनी का। हालांकि दोनों ही मामलों में कंपनी ने जो है नेट प्रॉफिट के मामले में और जो है रेवेन्यू के मामले में एस्टीमेट को यहाँ पे बीट करते हुए नज़र आए हैं, जो कि एक शानदार यानी कि अच्छी ज़बरदस्त चीज़ जो है हमें देखने को इस शेयर के बारे में मिलती है। तो दोस्तों हम स्क्रीनर की वेबसाइट पे भी अगर इसके नंबर्स देखें तो हमें पता चलेगा सेल्स है 88,479 करोड़ की, एक्सपेंस है 77,668 करोड़ का, उसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हमें देखने को मिलता है 10,820 करोड़ का, ठीक है। और OPM जो है दोस्तों, OPM हमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ नज़र आया है पिछले 3 क्वार्टर से, ठीक है, 12% का OPM देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ इसमें देखने को मिल रही है। अदर इनकम 1130 के आसपास की है, ठीक है, उसके अलावा इंटरेस्ट 2676, और डिप्रिसिएशन की बात करें तो 6072 के आसपास है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है दोस्तों? प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास है 3203 करोड़, ठीक है। टैक्स 8% पे करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नेट प्रॉफिट 3043 करोड़ के आसपास, ठीक है। और जो अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर भी हमें इम्प्रूव होती हुई नज़र आई है, माइनस में लगभग 3% के आसपास से, लगभग जो है 8
0.91 की हमें देखने को अर्निंग पर शेयर इसमें मिल रही है। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी लॉस कंपनी को झेलनी पड़ी थी। यहाँ भी लॉस थी, यहाँ भी लॉस थी, यहाँ भी लॉस, यहाँ तो काफ़ी बड़ी बड़ी लॉस जो है कंपनी को झेलने को मिली है। पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस हमारे सामने रखी है। पिछले क्वार्टर में माइनस का 898 करोड़ का लॉस, यानी कि 898 करोड़ की लॉस हमें देखने को मिली थी। फिलहाल हमें जो है 3,043 करोड़ का प्रॉफिट जो है दोस्तों देखने को अभी के समय में मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप जो है एक शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन 3 मंथ के लिए अभी फिलहाल इस शेयर में बना सकते हैं, यानी कि इसके जो Q4 के नंबर्स आने तक जो है आप इसमें अपनी शॉर्ट टर्म की एक पोजीशन बना के शेयर को बाई करके चल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको लगता है कंपनी हमारी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है तो आप उसमें जो है आगे अपना कंटिन्यू करके देख सकते हैं, या फिर आपको जो है अगर प्रॉफिट होता है तो आप जो है उस हिसाब से अपना जो मैनेज कर सकते हैं। हालांकि नेट प्रॉफिट जो मतलब जो भी Q3 के नंबर से काफ़ी शानदार रहे हैं, तो आप जो है इस पे जो है इस शेयर पे अपनी बैट जो है लगा सकते हैं आगे के लिए, इसको जो है बाई यहाँ पे किया जा सकता है।